नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दी इंडियननेस में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। वैसे तो हमारे देश के हर कोने में आपकी मुलाकात किसी न किसी जनजाति से जरूर होगी, लेकिन छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में रहने वाली बिरहोर जनजाति भारत की प्रमुख जनजातियों में से एक है और सिर्फ प्रमुख ही नहीं बल्कि बाकी सभी जनजातियों से हटकर भी है। दरअसल ऐसा माना जाता है कि बिरहोर जनजाति के लोग अगर किसी पेड़ को छू दें तो उस पर कभी भी बंदर नहीं चढ़ता, और ऐसा इसलिए क्योंकि बिरहोर जनजाति अपने खाने के लिए बंदरों का शिकार करती है। और तो और, इस जनजाति के बंदर का शिकार करने के पीछे भी एक लंबी कहानी छिपी है जिसका सीधा संबंध रामायण काल से जुड़ा हुआ है। वैसे तो मशहूर लेखक एके सिन्हा ने अपनी एक किताब छत्तीसगढ़ की आदिम जनजातियां में बिरहोर जनजाति के बारे में विस्तार से लिखा हुआ है, मगर हो सकता है कि ये किताब पढ़ने का वक्त आपके पास ना हो, इसलिए हम आपको बताने आए हैं कि आखिर कब और कैसे शुरू हुआ बिरहोर जनजाति का बंदरों के शिकार करने का सिलसिला। ये रामायण काल की बात है जब कोलतीन जनजाति के एक परिवार में दो बेटियां थीं, जिनमें से एक बेटी के अवैध संबंध के चलते वो शादी से पहले ही गर्भवती हो गई, और बच्चे के जन्म लेने के बाद लड़की के माँ बाप समाज में बहुत शर्मिंदा महसूस करने लगे, और इसी के चलते एक दिन देर रात को लड़की के माँ बाप झोपड़ी गिराकर भाग गए ताकि बच्चा और उसकी माँ उसी झोपड़ी के नीचे दबकर मर जाएं। मगर अफसोस, ना तो बच्चा मरा और ना ही उसकी माँ। और जैसे ही सुबह हुई तो गांव वालों ने बच्चे और उसकी माँ दोनों को ही झोपड़ी से बाहर निकाला। हालांकि बच्चे की छठी और नामकरण से पहले ही उसकी माँ की मौत हो गई। खैर, बच्चा तो जैसे तैसे पल बढ़कर बड़ा हो गया, लेकिन जब कभी भी वो किसी पवित्र स्थल या फिर समारोह में जाता था तो गांववासी दूर से ही उसे बाहर का रास्ता दिखा देते थे। लेकिन धीरे धीरे जब उसे ये एहसास होने लगा कि गांव वाले उसे इज्जत की नजरों से नहीं देखते, तब उसने गांव छोड़कर जंगल में जाने का फैसला किया, और जिसके बाद वो बिरू पर्वत पर जाकर रहने लगा। बिरू पर्वत की गुफा में रहने की वजह से उसका नाम बिरहोर पड़ गया और बस यहीं से हुआ बिरहोर जनजाति का जन्म। खैर, इसके बाद बिरहोर एक दिन कोरवा जनजाति की एक लड़की को उठाकर ले आया और उससे शादी कर ली। शादी के बाद दोनों पति पत्नी मिलकर रस्सी बनाने का काम करने लगे, और बिरहोर की पत्नी गांव में रस्सी बेचने के लिए जाया करती थी, और करीब 3 से 4 साल यूं ही गुजर गए। मगर अब गांव वालों ने उससे पूछना शुरू कर दिया कि तुम अकेले ही रस्सी बेचने क्यों आती हो, तुम्हारा पति कहाँ है? और बस इन्हीं सवालों के डर से अगले दिन से उसकी पत्नी ने भी गांव जाना बंद कर दिया। अब वो दोनों जंगल में ही गिलहरी और चूहे पकड़कर खाने लगे। इसके कई दिनों बाद देगन गुरु नाम के एक व्यक्ति को बाजा बनाने के लिए बंदर की खाल चाहिए थी। दरअसल वो इस बाजे से ईष्ट देव को जगाना चाहता था, और बस बंदर की खाल तलाश करते करते एक दिन देगन गुरु लंका के राजा रावण के पास जा पहुंचा। उसने रावण से बंदर की खाल मांगी तो रावण ने कहा कि बिरू पर्वत पर बिरहोर रहता है, वो तुम्हारे लिए ये काम कर सकता है। बंदर की खाल पाने के लिए देगन गुरु बिरहोर के पास भी जा पहुंचा, लेकिन जब देगन गुरु बिरहोर के घर में घुसने लगा तो बिरहोर डरकर भागने लगा। तब देगन गुरु ने उसे समझाया कि डरो मत, मैं बस तुमसे बंदर की खाल लेने आया हूँ। ये सुनकर एक पल को तो बिरहोर थोड़ा सा परेशान हुआ और फिर बोला, मैं तुम्हें बंदर की खाल कैसे दूंगा? जिसके बाद देगन गुरु ने बताया कि मोहन लाइन के रेशे से जाल बना लेना और जब बंदर पानी पीने आएगा तब उसे फंसा लेना। बंदर पानी पीने आया और जाल में फंस गया। इसके बाद बिरहोर ने देगन गुरु को बुलाया। बस फिर क्या, देगन गुरु ने बंदर की खाल निकाल ली, लेकिन फिर सवाल ये उठा कि बंदर के शरीर का क्या करना है। देगन गुरु ने बिरहोर से कहा कि बंदर के शरीर को तुम खा लेना, और बस इसी दिन से बिरहोर जनजाति ने बंदर का शिकार कर उसे खाना शुरू कर दिया। ये जनजाति बंदरों का शिकार करके ही अपना जीवन यापन करते हैं, और इतना ही नहीं, इनके शिकार करने का तरीका भी सबसे अलग और हटकर है। दरअसल शिकार के लिए कोई शुभ मुहूर्त या दिन नहीं होता, तो लोग शिकार करने से पहले एक धार्मिक क्रिया करते हैं जिससे इस बात का पता लगाया जाता है कि शिकार के लिए जानवर मिलेगा भी या नहीं। इस धार्मिक क्रिया के चलते 3 आदमी एक जगह पर बैठते हैं
और चावल लेकर थोड़ा थोड़ा सबके हाथ पर डाला जाता है। फिर सब जोहार जोहार करके एक मंत्र पढ़ते हैं और भूत को बुलाया जाता है। मंत्र पढ़कर भूत बुलाने के बाद जो आदमी चावल देता है उसके शरीर में भूत का प्रवेश होता है और जब वो कांपने लगता है तो मान लिया जाता है कि उस व्यक्ति पर भूत प्रकट हो गया है। जिसके बाद भूत को एक बोतल शराब दी जाती है और पूछा जाता है कि शिकार मिलेगा या नहीं। जब भूत बता देता है कि शिकार मिलेगा तो थोड़ी सी शराब जमीन पर गिराते हैं, जिसके बाद बची हुई शराब को सभी पीते हैं और शिकार करने के लिए निकल जाते हैं। और इतना ही नहीं, शिकार के लिए कम से कम 6 लोग जाते हैं। सबके पास धनुष बाण, नाठी, टांगी, हसिया और एक आदमी के पास बंदर पकड़ने का जाल होता है। जंगल में जाने के बाद सबसे पहले सभी लोग एक जगह पर बैठकर विचार विमर्श करते हैं। इसके बाद 2 लोग बंदर ढूंढने निकलते हैं जबकि बाकी बंदर को पकड़ने के लिए जाल बिछाते हैं। और जैसे ही बंदर दिखाई देता है वैसे ही सीटी बजाई जाती है ताकि उसके बाकी साथियों को इस बात का संकेत मिल सके कि बंदर दिखाई दे गया है। जिसके बाद सभी मिलकर बंदर को घेर लेते हैं और उसे जाल में फंसाकर मार दिया जाता है। और अब तो जब कभी कोई छोटा बंदर जाल में फंस जाता है तो उसे जिंदा रखा जाता है ताकि बाद में बाजार में बेचकर अच्छे पैसे कमाए जा सके। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी बिरहोर जनजाति के इतिहास से जुड़ी ये रोमांचक कहानी, हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि हम ऐसी ही और रोमांचक कहानियां आपको सुना सकें। तब तक के लिए नमस्कार।